NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक ऐसा स्कैम जो हर्षद मेहता के स्कैम से भी बड़ा था। NSE में एक ऐसा स्कैम हुआ है जो कि उनकी CEO ने किया है। हाँ, उनके CEO पे उंगली उठा रहा हूँ, तो पूरी वीडियो देखना, कोई मजाक नहीं है। उनकी CEO चित्रा रामकृष्णा, उनका पूरा नाम यही था, उन्होंने एक ऐसा स्कैम किया एक बाबा के साथ मिलके, जो कि अब तक का इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम था, जो कि हर्षद मेहता से भी बड़ा था, लेकिन उस बात को दबा दिया गया क्योंकि NSE का बदनामी होता। तो पूरी वीडियो को आज देखना और जानना कि वो स्कैम क्या था। तो अब आपको लग रहा होगा कि क्या बकवास बात है, एक CEO जो पढ़ लिख के CEO बना इस स्टेज पे बैठा है और उसके साथ ये बाबा वाला स्कैम हो सकता है क्या? भाई कोई सेंस नहीं बनता है। लेकिन सुनो, अब ये कहानी स्टार्ट होती है 2019 में। उनके पास एक मेल आता है। किसके पास? वो CEO के पास। मेल में लिखा रहता है कि मैं आपको ये डिटेल दे सकता हूँ कि कौन सा पर्सन कौन से स्टॉक में पैसा लगा रहा है, आप मुझे बस इतना डिटेल अंदर की दीजिएगा, क्योंकि देखो NSE में क्या होता है और हमारे पास जो डाटा आता है, एंजल मोन हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, जितने भी ब्रोकर्स होते हैं उनके पास जो डाटा आता है वो 15 सेकेंड लेट होता है। ये बात पता थी? नहीं था। वो 15 सेकेंड लेट होता है, मतलब जो अभी ग्राफ ऊपर जा रहा है वो 15 सेकेंड पहले किसी को पता चल गया है कि ऊपर जा रहा है, आपको पता चलने से पहले। तो भाई अगर उसको पता है तो मतलब वो फ्यूचर जान रहा है और वो फ्यूचर में वो पोजीशन बना के बैठेगा कि भैया जब ऊपर जा रहा है तो जब यहाँ से लोग खरीदना स्टार्ट करेंगे तो वो पहले से खरीद के बैठा होगा। तो मान लो 20 रुपये में खरीदा होगा और सब लोग पैसा लगाने जाएंगे उसी पे, तो वो 25 रुपये हो गया, तो इसका तो प्रॉफिट हो रहा है ना। तो वही बाबा यही करता था, वो इनसे सारी डिटेल्स ले लेता था। वो अब इनको पता नहीं, इनको लग रहा है कि भाई हिमालय के बाबा जी हैं, हमको मेल कर रहे हैं। हिमालय से कैसे मेल आ रहा है? उनके पास अदृश्य शक्तियां हैं मेल लिखने की। अब देखो और स्कैम समझो। अब स्कैम हुआ कैसे? एक बंदे को हायर किया गया। अब वो बंदे का सैलरी था 16 लाख रुपया, उसको इसी चीज़ के लिए हायर किया गया था NSE में। अब उसको हायर किया इन्होंने, CEO ने। अब हायर करने के बाद इनकी सैलरी, भैया अमूमन कितनी सैलरी बनती है लोगों की? 10% का इंक्रीमेंट, 100% का इंक्रीमेंट। इस बंदे की 16 लाख से सैलरी सीधा 1.68 करोड़। सोचो, 16 लाख से एक बंदे को आप हायर कर रहे हो सीधा 1 करोड़ पे, और हायर करने के बाद इनको एकदम फैसिलिटी राजा वाली। आओ 3 दिन, आओ ना आओ कोई दिक्कत नहीं, घर पे आराम से बैठो। अब आप लोग सोच रहे होगे भैया उनके दिमाग में CEO का क्या फायदा है, उनको डिटेल देने का फायदा क्या? आप देखो उनको क्या है, CEO है। अब किसी कंपनी की CEO को क्या चाहिए कि कंपनी डेवलप करे, उसकी जो भाई NSE है उसको तो डेवलप करना है ना, उसको तो ऊपर जाना है। अब बाबा जो इनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि भैया कौन से शेयर पे आपको लगाना चाहिए, और ये वहाँ से शेयर का बता रही हैं कि ये वाला शेयर अब भागेगा, ये वाला शेयर अब भागेगा, क्योंकि इनको 15 सेकेंड पहले पता चल जाता था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको दे रही है और उसके वजह से वो पैसा लगा रहा है, इस वजह से NSE भी ऊपर जा रही है। तो इनको लग रहा है NSE का ग्रोथ हो रहा है, NSE भाई अपने आप ऊपर भाग रही है, कंपनी और लिस्ट हो रही है, तो इनका तो प्रॉफिट बन रहा है। और उनको लग रहा है कि भैया ये बाबा जी प्रॉफिट बना के हमको दे रहे हैं, हिमालय के बाबा जी आराम से मेल कर रहे हैं हिमालय पे बैठ के, और ये हमको कर रहे हैं। लेकिन पता ही नहीं है उनके कंपनी में ही वही जो इसको सैलरी को हायर की है वही असली बाबा जी है, और वो अपना प्रॉफिट बना के निकल रहा है। बाद में स्कैम पता चला, CBI ने रिपोर्ट देखी, तब जाके पता चल रहा है कि भैया स्कैम चल रहा है, इनको किया गया सस्पेंड, इनका फोटो सामने है, ये न्यूज़ सामने है, और ये सच बात है, जाके सर्च कर लेना। एंड दिस इज आर्यन साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।